हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग? तो कैसे रहे? एग्जाम्स के प्रिपरेशन बात कर रहे हैं, पीजीटी क्रैक करना था, पीजीटी एग्जाम एंट्रेंस डेट आ चुकी है एंड वी हैव बीन वरीड अबाउट इट कि कैसे करनी प्रिपरेशन। लास्ट ऑफ प्रिपरेशन नॉर्मली बड़े सारे क्वेश्चन आते हैं, बड़े सारे वीडियोज भी बनाए हैं, तो यहाँ पे आप ये वीडियो देना सिर्फ और सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए जो पीजीटी क्रैक करना चाहते हैं, पीजीटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो आपके पास डेट्स आ चुके हैं। आपने कहा इस पेपर को कैसे क्रैक करना है, एंड दिस वीडियो स्पेशली फॉर द पेपर दैट इज गोइंग टू बी सब्जेक्टिव। सर सीरियसली इंग्लिश के पेपर की बात करें, हम बाकी पेपर्स की बात नहीं कर रहे। हाँ, पीजीटी के लिए वीडियोस काफी सारी हैं जो मैं आपको बताऊंगा कि कहां पे क्या प्रिपेयर करना है, कैसे करना है। लेकिन आप यहां पे दिमाग में आ रहा है कि सर इंग्लिश की बात करें या पीजीटी की बात करें, तो किसके लिए? द फर्स्ट थिंग, अगर आप पीजीटी के लिए जा रहे हैं तो गाइस लेट्स वॉच दिस वीडियो टिल लास्ट। And those who are going to give the paper of English language of PGT entrance, तो उनके लिए वीडियो है, वो थोड़ा एक्सटेंड तक जाएंगे, लास्ट जाएंगे। तो पहले 10 मिनट तो सीरियसली सब देखने, अब कैसे देखना है और क्या करना है। तो नॉर्मली दिमाग में आया सर PGT entrance की प्रिपरेशन करेंगे, तो दिमाग में सर कई सारे डाउट है that how we are going to get all things clear in our mind within a short span of time. अब थोड़े से टाइम में हर चीज क्लियर करनी है, एंड दैट वी वॉन्ट द लक टू बी फेवर अस कि वो मैं फेवर करे। सर याद हूं, लक उन्हीं को फेवर करता है, दोज हू ट्राई, दोज नेवर ट्राई लक विल नेवर फेल देम। वो क्यों फेवर करेगा? सीरियसली अब यहां पे बात करते हैं कोर्स कंटेंट की। सर ये कोर्स कंटेंट जो है दिया हुआ है, ये पीजीटी के हर स्टूडेंट को ऑन्टोमोलॉजी। यस आई एम गोइंग फॉर पेपर। अच्छा, इस पेपर को सर आपने क्रैक किया नहीं किया, सर आपने नेट को क्वालिफाई किया नहीं किया, सर आर यू पीएचडी, बड़े सारे क्वेश्चन आते हैं दिमाग में। तो मेरे जो सारे स्टूडेंट्स हैं जो अच्छे जानते हैं, उन सबको मेरी क्वालिफिकेशन, मेरे कॉन्सेप्ट पता है। तो यहां क्लियर करते हैं पहले पीजीटी है क्या। इस तरह फोबिया की हम इसे क्रैक नहीं कर सकते। नो, इट्स एन इजी टास्क। व्हेन यू गो स्टेप बाय स्टेप यू गोइंग टू क्रैक दिस पेपर इन अ फर्स्ट अटेम्प्ट, वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट। आपने कहा कैसे करना है, करने का तरीका क्या? तो पहली चीज बेसिक बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, दैट इज जनरल इंग्लिश और हिंदी। सर क्वेश्चन कितने होते हैं? ऑलमोस्ट 150 क्वेश्चन, वन मार्क फॉर ईच क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन। सर टाइम लिमिट अगर देखी जाए, वन मार्क फॉर ईच क्वेश्चन, उसको कैसे क्लियर करना है, ये सारी चीजें आपको नेट पे मिल जाएंगी। यहां पे जो बेसिक बता रहा हूं उनको फॉलो कर लेना अगर आप चाहते हो कि आपको ये पेपर क्रैक करना है। तो पहली चीज दिमाग में आ रही है द फर्स्ट थिंग कि मुझे जनरल इंग्लिश और हिंदी के कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। तो गाइस यहां पे जो बोर्ड पे नहीं लिखा हूं बोल रहा हूं, सो प्लीज दिमाग में लिखो, उसको फॉलो करो इमीडिएटली। प्रीवियस ईयर के पेपर्स को लो और उनको क्या करो, ऑब्जर्व करो, देखना नहीं है खाली। मैक्सिमम स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, खाली उनको देख लेता है या ऊपर बस देखने का फायदा क्या होता है, देयर इज नो नीड टू। अगर आपको देखना है गाइस जस्ट एनालाइज ईच एंड एवरी पेपर, यू नीड टू नो कि कौन सा पेपर कहां से आता है, क्या कॉन्सेप्ट क्राइटेरिया है, कि पेपर का ये वाला पोर्शन मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हर पेपर दो क्वेश्चन होता है, एक मेजर पोर्शन एक माइनर क्वेश्चन, एंड आई रियली नीड टू टेक केयर द मेजर पोर्शन एट द लास्ट ऑफ प्रिपरेशन। सीरियस इज द लास्ट ऑफ प्रिपरेशन। तो आपको पेपर क्रैक करना है, सबसे पहले आपको क्या देखना है, आपको देखना है कि ये बेसिक्स हैं, मुझे इन पे ध्यान देना है। तो पहली शुरुआत करनी है जनरल इंग्लिश और हिंदी जो आपके दिमाग में है, द वेरी फर्स्ट टॉपिक सेक्शन वन की बात करो। कम टू सेक्शन टू, हियर वी आर हैविंग द जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स। व्हाट डू यू मीन बाय द जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स, लेट मी क्लियर। इस टॉपिक को पूरा कवर करने के लिए सिर्फ लास्ट वन मंथ के पूरे न्यूज़पेपर घोट के पढ़ डालो, रीडिंग करनी है खाली। एज आई डोंट वांट यू टू लर्न द थिंग्स, जस्ट रीड आउट कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। आज से शुरू 10 दिन में अगर आप तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप न्यूज़पेपर डेली पढ़ो, जनरल अफेयर्स एंड करंट अफेयर्स जो आपके दिमाग में बैठता है ना, जनरल नॉलेज जिसे बोलते हैं, वो बैठ जाएगी। स्टूडेंट्स रियली डेफिनेटली अलग अलग पूछ लेते हैं, ये गुप्ता वो गुप्ता डीना इस पब्लिकेशन की उस पब्लिकेशन की, नहीं नॉट टू गो फॉर दीज यार। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी का नहीं है, आपके गूगल है, आपके सारे लिंक्स पढ़े, करंट अफेयर्स में क्या क्या हाईलाइटेड है उनको लो, करंट अफेयर्स वहां से देखो, न्यूज पेपर डेली पढ़ो, आपको सारी नॉलेज आएगी। देन कम टू नेक्स्ट पॉइंट, हियर वी आर हैविंग द रीजनिंग। कोई भी पेपर दे लो, कोई भी नेट जेआरएफ सीटेट एसटेट, यार मैं बात करता हूं बाकी पेपर्स की, एसएससी की, रेलवे की बात कर रहा हूं, रीजनिंग हर जगह मिलती है, रीजनिंग इज एवरीवेयर, यू नीड टू मास्टर रीजनिंग। ज्यादा टॉपिक नहीं है, कुछ 14 मैक्सिमम 14 टॉपिक्स हैं जिनको आपको ऑनटिप करना। इसके वाले 14 टॉपिक्स हर जगह आपको मिलने वाले हैं, वही बार बार प्रैक्टिस करके यू बी ए परफेक्ट वन।
कहां से शुरू करें सर, फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट? विल गो विद द बेसिक स्टार्ट और विल गो विद द एडवांस स्किल्स? नो नीड टू डू द बेसिक और द एडवांस स्किल्स, जस्ट फर्स्ट क्लियर योर कॉन्सेप्ट्स. द मैक्सिमम नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स हैव द सेम प्रॉब्लम, उनको लगता है कि रीजनिंग बहुत मुश्किल होने वाली नहीं है. यार आपको किसने बोला आप कॉन्सेप्ट क्लियर करते नहीं, आप सीधा क्वेश्चन में चले जाते हो. Yes, I've seen a certain students, कह रहे हैं यार ये क्वेश्चन नहीं हो रहा सर, ये क्वेश्चन नहीं हो रहा सर. अरे भाई आपने उसके लॉजिक्स को क्लियर किया? फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को लॉजिक्स क्लियर करने हैं. When you clear with the logics, then you can go and solve these questions both easily. आप लॉजिक्स को फॉलो करते हैं, कॉन्सेप्ट को फॉलो करो. अब आप नेट JRF की बुक आओ, सीरियसली हाई लेवल पे मैं कहता हूं SSC बुक वो रीजनिंग स्टैंडर्ड एक ही होगा, कुछ ज्यादा फर्क नहीं होने वाला. सीरियसली 1920 का फर्क होगा, 1920 का फर्क जो मिलता है ना वो मिलता है रीजनिंग में सर. रीजनिंग का लेवल अलग नहीं होता, यू नीड टू क्लियर द बेसिक्स. वो कहते हैं टेक केयर ऑफ स्मॉल थिंग्स, द बिग थिंग विल फॉल ऑन देयर प्लेस. सर छोटी चीजों का ध्यान रखो, बड़ी चीजें अपने आप से कर दी हैं. और हम लोग छोटी चीजों का ध्यान रखते नहीं है, सीरियसली हमारा टाइम नहीं होता कि हम छोटी चीजों का ध्यान रखें. Then how do I expect कि यार आप लोग short span of time में PGT crack कर लोगे? It's not tough, but you need to go with the basic logics. तो पहली चीज आपने clear की, आपने कहा यार यहाँ हमने बात की जनरल इंग्लिश और हिंदी की, मैंने अभी पहले किया था PGT सबके लिए, it's for everyone, whether you're going for social, economy, maths, English, ये सारे points. यहाँ वाले points जब आऊँगा तब मैं बोलूँगा कि किस वर्ड जाने. तो यहाँ आपको on tip होगा साथ के. इस बीच और बता रहा हूं, अगर आपको चाहिए पीजीटी सारी वीडियो आपको मिल जाए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना इमीडिएटली एंड प्रेस दैट लाइक बटन अगर लगे कि कोई फायदा हुआ है, शेयर विद अदर पीपल सो दैट अदर टू गेट द बेनिफिट. टिल देन वीडियो को अभी खत्म नहीं, अभी तो आपका आधा पार्ट नहीं वीडियो का जो इंपॉर्टेंट है. मैंने रीजनिंग इंपॉर्टेंट कर दी, रीजनिंग हर जगह काम आने वाली, कोई भी पेपर देते हो आगे आपके लिए रीजनिंग में काम करेगी. कम नेक्स्ट वन, कंप्यूटर लिटरेसी सेम एज द रीजनिंग. अब कंप्यूटर्स के लिए लोग अलग बुक लेते हैं, यार ये वाली बुक लेता हूं, वो वाली बुक लेता हूं. एक जनरल बुक आती है कंप्यूटर नॉलेज की, आई रियली रिकमेंड एवरीबॉडी फॉर दैट पर्टिकुलर बुक. उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा अभी, ठीक है मुझे याद है. आई वॉज गिविंग माई नेट एग्जामिनेशन तो मैंने भी वही बुक फॉलो की दिखाई और कुछ भी नहीं किया था. तो उस वक्त और आज डेफिनेटली लॉन्ग टाइम, बट आप लोग सिर्फ अगर उस बुक को क्लियर कर जाते हैं And that was very advanced level book. आपको concepts clear करने हैं, मैंने जैसा अभी कहा था, take your small things, the big with thought on the place, वही हो रहे हैं. आपको सिर्फ concept clear करने हैं. That is computer literacy, advanced level नहीं दिखाऊंगा उन्हें, उन्हें बोला कि आपने knowledge on computer से related, वो knowledge है आपको बहुत easy grab भी कर सकते हैं चीजों को. तो यहाँ आपको basic computers को जानना है. बिट्स क्या है, क्या टाइप्स है, लैन क्या है, वैन क्या, उसके कॉन्सेप्ट क्या है, कंप्यूटर इन्वेंशन क्या होती है, कितने तरह के कंप्यूटर्स होते हैं. एग्जाम्पल इसको डिटेल में कोई डिस्कस करेंगे, फिलहाल आपने ये जानना है. एंड देन कम टू द पैरागॉजी. यस आप जाने हैं सीरीज या पीजीटी की जाने, तो बीएड आपने कंफर्म की होगी और बीएड की तो पैरागॉजी तो ऑन टिप है. द वे ऑफ टीचिंग, टीचिंग के लिए क्या क्या आना चाहिए, किन कॉन्सेप्ट को क्लियर करना चाहिए. मेरे को बोला सर टीचिंग के लिए होता है कि आपको आपके बोर्ड के बीच में इतना डिफरेंस होती है ताकि स्टूडेंट देख पाए, ये भी कॉन्सेप्ट है. आपकी वॉइस क्लैरिटी होनी चाहिए, आपकी लैंग्वेज मीन्स द राइटिंग अच्छी होनी चाहिए. शायद लैंग्वेज थोड़ी ठीक नहीं है, लैंग्वेज राइटिंग तो डेफिनेट अच्छी नहीं है. तो मैंने कहा यहाँ पे कुछ लैक्स हैं, कुछ नहीं बहुत सारे हैं आई एग्री, लेकिन पैरागॉजी कॉन्सेप्ट को समझना है. व्हाट इज पैरागॉजी, क्या है पैरागॉजी, टीचिंग पैरागॉजी सर, उसके कॉन्सेप्ट, लेसन प्लान्स. अब क्या है लेसन प्लान, कैसे पढ़ते हैं, सारी वीडियो देखता हूँ. कौन सी पैरागॉजी, इंग्लिश लैंग्वेज की जो इंग्लिश में बताते हैं, मैथ्स की जो मैथ्स का दे रहे हैं, सोशल की, इकोनॉमिक्स की, इसी चैनल में लेंगे, यहीं मिलेंगे, यहीं मिलेंगे. आप बहुत इजिली ग्रैप करेंगे, चीजों को समझ भी पाएंगे. आप नेक्स्ट वन, सब्जेक्ट कंसर्न. अब आपका सब्जेक्ट कौन सा यार, आई रियली हैव नो आइडिया कि आप कौन सा सब्जेक्ट लेके चल रहे हो और किस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करनी है आपने. लेकिन ये वो स्टेप्स हैं जो आप लोगों को फॉलो करने. ये सेक्शन टू था हमारा, बात करें पीजीटी एंट्रेंस की. अब मैं पीजीटी एंट्रेंस क्रैक करूंगा, कैसे कॉन्सेप्ट लेके चलूंगा, ये सारी भी मामला नहीं चाहिए. तो आई होप यहां पर हम सबको क्लियर हो गया कि यार ये बेसिक्स थे जिनको फॉलो करना था.
अब आते हैं किसकी बात करते हैं, अब करते हैं पीजीटी इंग्लिश का जो पेपर दे रहे हैं वो रहे, बाकी छोड़ सकते हो पीजीटी इंग्लिश का बताना हो। तो पहले 10 मिनट मैंने कहा था सबके लिए, अब आते हैं इंग्लिश वालों की बात या इंग्लिश वाले सीरियसली। अब अगर आप इंग्लिश पीजीटी का पेपर दे रहे हो तो एक चीज को ऑनेस्टली सबसे पहले कहना आपने, दैट इज योर कॉम्प्रिहेंशन नॉलेज, अनसीन पैसेजेस, और 100 में से ना 90% स्टूडेंट ना ओवर कॉन्फिडेंट होता है कि मेरे को अनसीन पैसेज ऐसे आता है, मैं आई कैन डू दिस, आई एम अ टीचर, आई मीन रियली कब से कितने टाइम से पढ़ा रहा हूं, पढ़ा रही हूं तो मुझे तो याद है। जहां सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं ना वही सबसे बुरे गिरते हैं गाइस। प्लीज डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट, कॉम्प्रिहेंशन ऑन टिप कर लेना, वेदर इट्स अ लिटरी पैसेज, डिस्क्रिप्टिव पैसेज और अ पोएम बेस्ड पैसेज, ये आपको ऑन टिप होना चाहिए। और इसके लिए प्रैक्टिस करने में कुछ जाने ना सीरियसली, अगर आपको लगता आपको आता है तो ठीक है, चेक योर सेल्फ यार, एक बार दो बार तीन बार चैलेंज कर रहा हूं, पांच कर देना, पांच में कितने बजे नंबर आते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि सर कितने आए। कॉन्फिडेंट प्लीज, कॉन्फिडेंस हमेशा अच्छा होता है, बट ओ कॉन्फिडेंट ऑलवेज मेक अ टेक फॉर यू गाइस एंड आई रियली डोंट वांट दैट। फर्स्ट कॉम्प्रिहेंशन, इसको घोर के भी कि आपको यहां आना चाहिए। काम टू द नेक्स्ट वन, राइटिंग एबिलिटीज, दैट इज द की। एक टीचर की राइटिंग एबिलिटीज काउंट होती है, वो कैसे लिखता है, लिखने का तरीका क्या है, यहां पे आपकी ग्रामर सेंस चेक की जाएगी, एक एक चीज को फॉलो किया जाएगा। क्या करते हो आर्टिकल आ गया सर बहुत इजी, हम तो लिख सकते हैं सर, वी कैन राइट ऑन परफेक्ट मैनर सो दैट द अदर गेट इंप्रेस, नो नो नो, दे विल गोइंग टू चेक योर बेसिक्स हियर टू। यहां भी सिर्फ और सिर्फ बेसिक्स पे काम करेंगे, प्लीज टेक केयर। काम टू द ग्रामर, सर ग्रामर के पार्ट को ज्यादा नहीं करना, सिर्फ पांच चीजें बोल रहा हूं, ये पांच चीजें ऑन टिप कर लेना, डिटरमिनर्स, टेंसेस, क्लॉजेस, मॉडल्स एंड वॉइस। अब ऑनेस्टली आप लोग खुद से पूछना, आपको इधर भी काम करना पड़ेगा। यस आई नो यू गाइस आर टीचर यार, आप टीचर हैं, आप बहुत अच्छे भी होंगे सीरियसली, लेकिन फिर भी यहां काम करना पड़ेगा। वी नो यूज टू बी डील विद दीस थिंग्स नाउ, हम लिटरेचर को डील करते हैं, लिटरेचर पढ़ चुके हैं सर, मास्टर्स कर चुके हैं, तो ये चीज तो सर बहुत टाइम हुए देखे हुए। यस वी नीड टू सी ऑल दीज अगेन, मेक देम इन प्रैक्टिस, उनकी प्रैक्टिस करो बार बार, एक बार, दस बार, बीस बार, डजंट मैटर, यू आर गोइंग टू क्रैक योर पेपर, यू आर गोइंग टू मेक योर लाइफ चेंज। तो उसके लिए मेहनत आपको करनी है, ये पांच चीजें ऑन टिप कर लेना फॉर दिस पर्टिकुलर पेपर्स। आपने कहा डिटरमिनर्स, टेंसेस, क्लॉजेस, मॉडल्स एंड वॉइस। नाउ टाइम टू डिस्कस लिटरेचर, लिटरेचर में किसको पढ़ना है, सबसे पहले शेक्सपियर पढ़ लेना, किसको, शेक्सपियर, हाँ विलियम शेक्सपियर। अब यहाँ पे विलियम शेक्सपियर की बात नहीं करूंगा, अगर थोड़ी नॉलेज देनी है, पेपर को पूरा क्रैक करना है तो चौसर टू शेक्सपियर होती, लेकिन शेक्सपियर के कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेना, उसके कुछ प्लेस दो चार बहुत डोमिनेंट है, नाम बताने जरूरत नहीं होती है, मैकबेथ आपको पता होगा, हैमलेट आपको पता होगा, कुछ और प्लेस जो हमें ऑन टिप होते हैं वो बता रहा हूँ। लिटरेचर में रोमांटिक्स, पहले रोमांटिक्स दिमाग होता है सर, रोमांटिक्स किसको पता, वर्ड्स को पढ़ूंगा, कॉलेज को पढ़ूंगा, ब्लेक को पढ़ूंगा, तीन दिमाग में आ रहे हैं, वर्ड्स वो डोमिनेंट है, कॉलेज आई कैन नॉट अवॉइड कॉलेज, देन ब्लेक, सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस, सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस, पूरी कलेक्शन ऑन टिप होनी चाहिए। देन आई कम टू द 1920 सेंचुरी, सर इसमें क्या पढ़ूंगा, अमेरिकन पढ़ूंगा और इंग्लिश पढ़ूंगा, दैट्स ब्रिटिश 1920 सेंचुरी, अमेरिकन एंड ब्रिटिश इंग्लिश के जो डोमिनेंट प्लेज हैं, जो वर्ड्स हैं उनको ऑन टिप करूंगा। एंड देन आई कम टू द मॉडर्न इंडियन इंग्लिश राइटिंग, सर मॉडर्न इंग्लिश राइटिंग की बात करूं, अगर आपने एमए किया तो आपने मॉडर्न इंग्लिश राइटिंग का पेपर पढ़ा होगा, कन्फर्म उसको घोट के भी आना, वेट दिल्ली यूनिवर्सिटी और इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी, दोनों को ऑन टिप कर लेना, इट विल वर्क फॉर यू गाइस। लास्ट दैट इज शॉर्ट स्टोरीज, रश्किन बॉन्ड पढ़ोगा, आर के नारायण पढ़ोगा, सर शॉर्ट स्टोरी तो बहुत सारी है, कितनी पढ़ू, मैं इंडियन ओरिजिन की पढ़ूंगा, दैट विल be sufficient for me to crack this paper. अब इस पेपर को करना है तो तैयारी कैसे करनी है, पहली चीज प्रीवियस ईयर पेपर्स उठाओ, उनको क्या करो, एनालाइज करो, एक पूरी स्टडी, स्टेप बाय स्टेप स्टडी करनी है और उस पर लग जाओ, देन यू आर गोइंग टू रॉक, टिल देन यू कैन ज्वाइन
ऑनलाइन सेशन शुरू हो चुके हैं, क्लासेस चल रही है, क्रैश कोर्स शुरू हो चुका है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं, नोट्स ले सकते हैं। पढ़ने में ध्यान दो यार, कोई भी दिक्कत आती है लेट मी नो, आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट एज सून एज पॉसिबल। टिल देन कीप वॉचिंग, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।